पटना में कार्बाइन से प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज ऑफिस के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 3 बाइक पर सवार 6 अपराधी मौके पर पहुंचते हैं और ऑफिस में घुसकर फायरिंग करते हैं, फिर भाग जाते हैं। इस दौरान एक बाइक उनकी छूट जाती है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बाइक पर जो नंबर है वो फर्जी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देवर में हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कार्बाइन को बैग में छिपा कर लाए थे अपराधी। वारदात के बाद एक बाइक छोड़कर भागे। देवर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर रविवार को प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। इस वारदात में एक की मौत हो गई और अब इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि 6 अपराधी 3 बाइक पर सवार होकर आए। अपराधी कार्बाइन को बैग में छुपा कर लाए थे। बाइक से उतरकर अपराधी ऑफिस की ओर बढ़े। इस दौरान बैग से कार्बाइन निकाला और ऑफिस में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कार्बाइन लिए युवक 2 बार गेट से बाहर आया और अंदर गया। यही नहीं, दहशत फैलाने के लिए पिस्तौल से हवाई फायरिंग भी की गई और फिर गोलीबारी के बाद सभी अपराधी वापस बाइक पर सवार होकर भागने लगे। 2 बाइक तो स्टार्ट हो गई, लेकिन एक बाइक ने धोखा दे दिया। एक बाइक पर सवार अपराधी पहले भाग गए, इसके बाद दूसरी बाइक पर सवार अपराधी जाने लगे। जो बाइक स्टार्ट नहीं हुई, उस पर सवार एक अपराधी दूसरी बाइक पर बैठ गया और एक अपराधी कार्बाइन लिए पैदल ही भागा। 3 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें से एक मोटरसाइकिल हड़बड़ी में अपराधी छोड़कर भाग गए और उस मोटरसाइकिल की पड़ताल करने के बाद भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि 2 तरह का नंबर प्लेट लगा है। एक फर्जी नंबर प्लेट ऊपर साटा गया है और उसके नीचे भी एक नंबर प्लेट है। हालांकि ये नंबर प्लेट सही है या गलत है, ये भी देखना होगा, ये भी छानबीन की बात है, इसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये उसके ऊपर से एक फर्जी नंबर प्लेट चिपकाया गया था। पुलिस को जो बाइक मिली, उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस इसे जमीन से जुड़ा विवाद मान रही है और उसी के परिणाम में यह हमला किया गया है। अब आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पटना बेउरजर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर हत्या मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 6 अपराधी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। करवान सहित कई आधुनिक हथियार से इन अपराधियों ने तबाहतोड़ फायरिंग की थी, जो पटना पुलिस पर अब सवाल खड़ा कर रहा है। कैमरा जितेंद्र झा के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, टीम मीडिया पटना।